निकाल के मैं वापस यूट्यूब पे डाल दूंगा वहाँ कैसे, जो मैंने आपको बताया चैप्टर टू में भी अपने वही किया। तो चैप्टर सेवन में अपने पास पांच चीज़ें हैं। सबसे पहले स्टेप्स टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, थर्ड इज स्ट्रेटजिक लीडरशिप, स्ट्रेटजी कॉर्पोरेटिव कल्चर, सपोर्टिव कल्चर एंड इंटरप्रेनर एंटरप्रेनर एंड इंटरप्रेनर। ओके, सबसे पहले व्हाट आर द स्टेप्स टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी, देर आर फाइव स्टेप्स। पहला पॉइंट, नया स्ट्रेटजी बनाते हैं। ओके, नए प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, इकोनॉमिक परफॉर्म डिक्लाइन होता है, नया अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वापस बढ़ जाता है। ओके, अपन ने पढ़ा था अल्फ्रेड चैंडलर, इन्होंने बताया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अपने पास टोटल आठ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस। पहला पॉइंट है सिंपल स्ट्रक्चर, सेकंड पॉइंट है फंक्शनल स्ट्रक्चर, थर्ड इज डिविजनल स्ट्रक्चर, चौथा पॉइंट है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज SBO, नेक्स्ट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, उसके बाद है नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आवर ग्लास स्ट्रक्चर। अगर याद है सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट सिंगल बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसका मार्केट भी सिंगल है, फोकस खाली फोकस कॉस्ट लीडरशिप में है, फोकस डिफरेंशिएशन पे, ओनर है, मैनेजर्स है जो सारे डिसीजंस लेंगे। इनका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, स्पेशलाइजेशन ज्यादा नहीं करेंगे, रूल्स ज्यादा नहीं रहेंगे। ओके, इनफॉर्मल वे में काम होता है। ओके, यहाँ पर सोफेस्टिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनेजर्स जो है वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्ट्रक्चर इनएडिक्वेट या इनएफिशिएंट है, और ये है तो वो स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। लेकिन जब हम फंक्शनल में बढ़े तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि फंक्शन वाइज अपन ने डिवाइड किया, फंक्शन वाइज डिवाइड किया तो अपन ने समझ में आया कि भाई फंक्शन वाइज डिवाइड कर दिया लेकिन कंट्रोल सेंट्रल ही रखा, फंक्शनल स्टेटस रिकग्नाइज हो गया, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना आसान हो गया, एफिशिएंसी जबरदस्त हो गई क्योंकि डिवीजन हो गया, एंड रैपिड डिसीजन मेकिंग हो गया क्योंकि अभी डिपार्टमेंट वाइज काम हो रहा। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी टॉप मैनेजमेंट पे चली गई, डेलीगेशन पुअर हो सकता है, एम्प्लॉय मोरल कम हो सकता है, जब हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्योंकि कहीं पर इन्फ्लुएंसिंग हो सकता है, एंड यहाँ पर इनएडिक्वेट प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स हो सकता है। इसको ओवरकम करने के लिए हमने डिविजनल स्ट्रक्चर निकाला, डिविजनल स्ट्रक्चर में डिविजन अपन ने डिस्कस किया कि हाँ भाई कैसा निकाल लिया। ओके, यानी अब CEO है डिविजन वाइज डिवाइड कर लेगा, डिविजन ए डिविजन बी, और डिविजन के इसमें हमारे बेसिस फॉर डिविजन क्या है, बेसिस फॉर डिविजन जोग्राफी के एरिया हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, कस्टमर हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है। ओके, अकाउंटेबिलिटी बहुत क्लियर है, डेलीगेशन करना आसान है, एम्प्लॉय मोरल जबरदस्त है, बेटर प्लानिंग मस्त है, मतलब प्लानिंग तोड़ होगी, और यहाँ पर लोकल कंट्रोल देंगे लोकल अथॉरिटी को। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है यार, फंक्शनल डुप्लीकेशन हो रहा है। ओके, कंट्रोल सिस्टम एलोबरेट करना पड़ा है और दो बार स्किल्ड मैनेजर लग रहा है क्योंकि डिवीजन ए के लिए अलग स्किल्ड मैनेजर, डिवीजन बी के लिए, एंड उसमें प्रॉब्लम विद सेंट्रल सर्विसेज है। ओके, एम फॉर्म स्ट्रक्चर में अपन ने क्लियर कट समझा था, एम फॉर्म स्ट्रक्चर में क्या हुआ, बिजनेस वाइज डिवीजन हो गया, सेपरेट बिजनेस डिवीजन ए, सेपरेट बिजनेस डिवीजन बी, डिवीजन वाइज, और उन डिवीजन में सेपरेट बिजनेस में भी हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिक एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। ओके, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली अपन ने यहाँ पर चार कैरेक्टर सीखे कि सबसे पहला एम फॉर्म स्ट्रक्चर बिजनेस वाइज डिवाइड होता है, फंक्शनल हायरार्की इसके अंदर होगी, डिविजनल मैनेजर होगा, और यहाँ पर स्मॉल कॉर्पोरेट स्टाफ यानी जो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेगा यानी कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ पर आ गया। लेकिन अपन ने देखा कि यहाँ पर एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को सपोर्ट नहीं मिल सकता, इसीलिए इसको सपोर्ट करने के लिए SBU आ गए। SBU का कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट का कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कैरेक्टर्स इन चैप्टर टू, बट यहाँ पर बेनिफिट्स है। ओके, साइंटिफिक मेथड फॉर ग्रुपिंग है। ओके, यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट बताते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस है तो प्लानिंग एकदम जबरदस्त हो सकती है प्रायोरिटीज के बेसिस पे। ओके, यहाँ पर सेग्रीगेट करना आसान है कौन से बिजनेस है, कौन सा पोर्टफोलियो है, एंड यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस में अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन आया तो हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो अपन ने डिस्कस किया, ये फंक्शनल और डिविजनल का कॉम्बिनेशन है। ओके, यहाँ पर फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर एज ए टीम काम करते हैं। ओके, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर एक बार टीम मतलब प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो फंक्शनल मैनेजर अगली न्यू टीम में जाते हैं फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर न्यू टीम में जाते हैं फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर मैट्रिक्स में जो एम्प्लॉय होगा वो दो को रिपोर्ट करेगा, एक है फंक्शनल मैनेजर को, एक है प्रोजेक्ट मैनेजर को। वैसे ये मैट्रिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन कंपनी इनमें यूज होता है। ओके, एडवांटेजेस, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं, बेटर कंट्रोल हो जाता है, एम्प्लॉय को रिजल्ट समझ में आता है तब वो आगे जाते हैं, एंड यहाँ पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, डुअल रिपोर्टिंग है, एक बंदे को दो दो बार रिपोर्ट करना पड़ता है, कॉस्टली है, कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना जरूरी है। इसीलिए डेविस एंड लॉरेंस के हिसाब से थ्री फेजेज है अगर आपको ये मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले एक बार स्टार्टिंग के लिए क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स को मिला लो, टेम्पररी टीम बनाओ। ओके, देखो काम कर रहे कि नहीं, जैसे ही आपको समझ में आया ओके, वो टेम्पररी टीम अभी परमानेंट में फॉर्म, प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट करो यानी प्रोडक्ट और ब्रांड बनाने की कोशिश करो, एंड वंस दैट इज डन उसके बाद, क्योंकि अब ये टेम्पररी परमानेंट होती 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 हो रही है, तो अब मैच्योर मैट्रिक्स बना दो। उसके बाद अपन ने देखा नेटवर्क एंड वर्चुअल स्ट्रक्चर, ये आंसर इजी था कि वर्चुअल स्ट्रेटजिक अलायंस है, सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम हो जाता है। ओके, यहाँ पर बॉस मेरा इंटरेक्शन सिर्फ IT की वजह से होता है, वो भी किस में होता है, विद कस्टमर्स एंड सप्लायर। यहाँ पर मैं सैलरीड एम्प्लॉय नहीं रखता, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं करता हूँ, आई फोकस ऑन बाय डिसीजन रेदर देन मेक डिसीजन।
कॉस्ट एकदम कम होगा, फ्लेक्सिबल होगा, एडेप्टेबल होगा और कंट्रोल करना आसान होगा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू आर फोकसिंग ऑन बाय डिसीजन रादर देन मेक डिसीजन, क्वालिटी की लग गई, टेक्निकल अपडेट्स अगर हुए तूने नहीं किया तो लग गए और वन और मोर मेंबर्स तेरे कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। अवर क्लास स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है भाई, हम आईटी यूज करते हैं टॉप और लोअर को कम्युनिकेट करने के लिए, मिडल को कंस्ट्रेंट कर दिया, मिडल इज यूज ओनली फॉर क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज, दैट्स इट, उससे ज्यादा ये काम नहीं करते। ओके, यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज एकदम सिंपल है कि यहाँ पर हमारे लिए सारे काम आसान हो गए, लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि मोनोटोनस वर्क होता है एक जन के लिए और प्रमोशनल कैपेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। फिर अपन ने डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक लीडरशिप में क्या क्या चीज़ है। लीडरशिप में सबसे पहले अपन ने देखा लीडरशिप रोल्स और क्या चाहिए ताकि तुम स्ट्रेटजी अच्छे से इंप्लीमेंट कर सको, तो पांच चीज़ चाहिए। सबसे पहले तुम मॉनिटरिंग करना चाहिए, सेकंड पॉइंट तुमने प्राइड और म्यूचुअल लॉयल्टी होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट चेंजिंग एनवायरमेंट तुमने रिस्पॉन्स करना चाहिए, चौथा पॉइंट इथिकल लीडरशिप होनी चाहिए एंड लास्ट पॉइंट करेक्टिव एक्शन लेने की ताकत रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजिक लीडर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी, तुम्हारी स्ट्रेटजिक लीडर हो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ओके, मैं स्ट्रेटजिक डिसीजन ले सकता हूँ, पीपी बना सकता हूँ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैंने मैनेज करनी चाहिए, चेंज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कल्चर लाने की कैपेसिटी होनी चाहिए और हाई परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली मैंने दिखना चाहिए। ओके, अप्रोचेस टू लीडरशिप कौन से है, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल डिस्कस किए, एक डायनामिक एक स्टैटिक है। ओके, ये होने के बाद स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर, ओके, स्ट्रेंथ भी है वीकनेस भी है, पंचायती है हमने देखा हुआ, उसके साथ इंपॉर्टेंस भी है और हमने ये भी देखा कि व्हाट आर द स्टेप्स टू चेंज द प्रॉब्लम कल्चर, तो तीन स्टेप्स है। सबसे पहले पता करिए कौन सा कल्चर हमें प्रॉब्लम कर रहा है, सेकंड पॉइंट वो मैनेजर ने ओपनली बात करना चाहिए उन लोग से कि कल्चर चेंज करने वाले है, और तीसरा पॉइंट ओके बॉस एकदम स्विफ्टली लेकिन एग्रेसिवली तुमने कल्चर चेंज करना चाहिए। और उसके बाद अपने दो कॉन्सेप्ट देखे, एंटरप्रेनर एंड इंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर खुद का बिजनेस चालू करता है, इंटरप्रेनर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, भेजे में गया मालिक, दैट्स इट, यू आर एंड विद योर चैप्टर 7। ओके, पक्का क्लियर है, परफेक्ट, चैप्टर 7 और